जय जवान। किसानों के सम्मान में विपक्षी हर मैदान में, किसानों के सम्मान में विपक्षी हर मैदान में, किसानों के सम्मान में मैदान में। टूट गया विमान, जीत गया किसान, टूट गया विमान, जीत गया किसान। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माह से किसान का धरना प्रदर्शन जारी रहा, उसमें से करीब लगभग 700 किसानों ने इस देश में किसान के हित में अपना कुर्बानियां दिया। चाहे बीजेपी के मंत्री के गाड़ी से रोना गया, चाहे प्रशासन के केंद्र सरकार के डंडा लाठी से पीट के उसके मौत के घाट उतार दिए। उस किसान के सम्मान में आज विपक्षी एकता के द्वारा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आरजेडी, वाम दल सब लोगों ने मिल के कारगिल चौक से जेएमएम सब लोगों ने मिल के हम लोगों ने किसान के सम्मान में उनके दिल में उनके आत्मा में शांति हो, क्योंकि उनके लड़ाई के चलते ही मोदी जी ने अपना बयान को बदला और कानून को वापस लेने का घोषणा किया। इसलिए हम लोग सभी विपक्षी एकता मिलके आज किसान के सम्मान में उनके आत्मा के शांति के लिए कारगिल चौक से कैंडल मार्च करते हुए हम लोग शहीद स्तंभ पे आए हैं और उनके आत्मा का शांति के लिए हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं। यही हम मोदी जी ने चुनाव मुद्दा को लेकर इस तरह का फैसला लिया है, ये पूरा पूरी चुनावी मुद्दा है। इसलिए मोदी जी के बातों पर भरोसा नहीं है, जिसके चलते राकेश टिकैत ने इतना बड़ा फैसला लिया कि जब तक संसद में इस बात को नहीं उतारा जाए, वहां पर भी खंडन नहीं किया जाए इस कानून का, तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। और राकेश टिकैत के बातों का हम लोग महागठबंधन के सभी नेता समर्थन करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उनके वजह से भी, उनके आमरण अनशन के वजह से आज किसान आंदोलन सफल हुआ और मोदी जी को अपना कानून वापस लेना पड़ा। हम लोग सभी किसानों के सम्मान में आज कैंडल जुलूस निकाले हैं, ताकि जो किसानों ने अपनी आहुति दी इस अनशन में, इस धरना में, उनके आत्मा को शांति मिले। इसलिए हम लोगों ने आज उनकी आत्मा की शांति के लिए ये कैंडल जुलूस निकाला था और उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना किए। देखिए देखिए आज हम लोगों ने जो ये कैंडल मार्च किया है, मुख्य रूप से कारण ये है कि लगातार 11 महीने से किसान ये तीनों काला कृषि कानून के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे। 700 लगभग किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और लगभग उस दिन जो माननीय कृषि जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, उनके बेटे के गाड़ियों द्वारा जो कुचला गया है, वो किसान की आत्मा को शांति मिले इसके लिए हम लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाला। और मोदी जी का जो अभिमान टूटा है और किसानों की जो जीत हुई है, ये तो मोदी जी को पहले ही कर देना चाहिए था। 700 किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति देने के बाद, ये मोदी जी कहावत में है और एक गाने में है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। यह हजारों किसानों का हत्या करा करके इस बिल को वापस लिया है, इसको ऊपर में भी जो है बैकुंठ धाम में भी क्षमा नहीं मिलेगा मोदी जी को। और उनके जो परिवार हैं, वो जो रोड पर भिखारी के रूप में खड़े हैं, उनके साथ हम लोग सभी विपक्षी एक साथ एकजुट होकर के खड़े हैं किसानों के साथ। और जब तक ये 2024 में मोदी जी की सरकार नहीं जाती है, तब तक हम लोगों की लड़ाई ये जारी है।
लीजिए खुल गया अब लड़कों के लिए खास शोरूम। जूते कपड़े वॉलेट हो या बेल्ट, लड़कों की जरूरत का सभी सामान अब मिलेगा सेलिब्रेशन में। पेट्रोल हुआ है महंगा तो क्यों दौड़ेंगे अलग अलग दुकान, जब एक ही शोरूम में मिल रहा हो लड़कों का कंप्लीट सामान, वो भी आपकी अपनी रेंज में। जल्द करें खरीदारी, बने एलिगेंट। होगा इस पूजा स्मार्ट सेलिब्रेशन, लेट्स सेलिब्रेट दिस पूजा विद सेलिब्रेशन। चिल्ड्रन पार्क के सामने भागलपुर रोड गोड्डा।